विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 42 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें गोरखपुर शहर विधानसभा में निर्दल से राशिद, बहुजन मुक्ति पार्टी से अवधेश, कांग्रेस से चेतना पांडे, निर्दल से नवल किशोर नाथानी, भारतीय जन जागृति पार्टी से युवराज शर्मा, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी से मनोज कुमार शर्मा, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में निर्दल बिंदु, कांग्रेस से देवेंद्र, निर्दल से सत्यम शुक्ला, बांसगांव विधानसभा में कांग्रेस से पूनम, जन अधिकार पार्टी से रुदल, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया से मुरली, आम आदमी पार्टी से लाल बच्चन, कैंपियरगंज विधानसभा में निर्दल नबी मोहम्मद, भारतीय किसान यूनियन पार्टी से विनोद, जन अधिकार पार्टी से जटाशंकर, निर्दल धनुषधारी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अटल बिहारी ने नामांकन किया। इस प्रकार विधानसभा सहजनवा में सम्यक पार्टी से राजेंद्र, निर्दल से श्री कृष्ण यादव, भारतीय समाज अपना पार्टी से राकेश दुबे, मूल निवास समाज पार्टी से दीपक, निर्दल से अंजू सिंह, समाजवादी पार्टी से संजय, विकासशील इंसान पार्टी से मनोज कुमार निषाद, विधानसभा खजनी में निर्दल शैलेश कुमार, आदिम भारतीय दल से गौरी शंकर, पिपराइच विधानसभा में निर्दल अरुण कुमार, कन्हैया सत्येंद्र बजरंगी, आजाद अली, नरेंद्र नाथ मौर्य, सुभाष चंद्र गुप्त, राष्ट्रवादी विकास पार्टी से विजय कुमार भारती, जनहित किसान पार्टी से शिवदत्त, चौरी चौरा विधानसभा से मेरा अधिकार पार्टी से सोनू राय, निर्दल से ब्रजेश्वर कुमार, रामनेत्र विश्वकर्मा, सुमन मौर्य, राजेश कुमार, आम आदमी पार्टी से संजय कुमार शर्मा, चिल्लूपार विधानसभा में निर्दल आलोक कुमार गुप्ता ने पर्चा दाखिल किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में 4 फरवरी से नामांकन चल रहा है, जिसमें अभी तक कैंपियरगंज विधानसभा में 15 नामांकन, पिपराइच विधानसभा में 20 नामांकन, सदर में 23 नामांकन, ग्रामीण में 21 नामांकन, सहजनवा में 19 नामांकन, खजनी में 11 नामांकन, चौरी चौरा में 20 नामांकन, बांसगांव में 9 नामांकन, चिल्लूपार में 11 नामांकन अभी तक हुआ है, जिसमें कुल 159 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने कहा 14 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो सही होंगे उसकी सूचना दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। गोरखपुर जनपद में कुल 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें नामांकन 4 फरवरी के प्रातः 11 बजे से आज 11 फरवरी के सायंकाल 3 बजे तक सभी 9 विधानसभाओं में विभिन्न प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन किए हैं। आज तक जो टोटल नामांकन हुआ, 320 कैंपियरगंज में टोटल 15 नामांकन, 321 पिपराइच में 20 नामांकन, गोरखपुर शहर में 23 नामांकन, गोरखपुर ग्रामीण में 21 नामांकन, सहजनवा में 19 नामांकन, खजनी में 11 नामांकन, चौरी चौरा में 20 नामांकन, बांसगांव में 9 नामांकन और चिल्लूपार में 11 नामांकन। इस प्रकार से पूरे जनपद की 9 विधानसभाओं में 159 नामांकन प्राप्त हुए हैं। आगामी 14 फरवरी को प्रातः 11 बजे से स्क्रूटनी अर्थात नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसमें जो सही पाए गए इसकी सूचना शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास आपसे शेयर की जाएगी। सर, आज कितने हुए? आज कुल 42 नामांकन हुए हैं।